नमस्ते एंड वेलकम टू फिल्मी पंचायत। तो आज हम रिव्यू करेंगे थॉर की मच अवेटेड मूवी एक्सट्रैक्शन का। तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं इसकी स्टोरी पे। क्रिस हेम्सवर्थ जो कि प्ले कर रहे हैं एक ब्लैक मार्केट मर्सरी, यानी कि ब्लैक मार्केट ट्रेन्ड पीपल जो कि पैसे के लिए काम करते हैं। इस फिल्म में इसका नाम है टाइलर रेक। तो एक इंडियन ड्रग माफिया होता है जो कि पंकज त्रिपाठी प्ले कर रहे हैं, वो जेल में है और उसका बेटा जो है वो किडनैप कर लेता है बांग्लादेश का ड्रग माफिया। अब रणदीप हुडा जिनका नाम है साजू, वो काम करता है इंडियन ड्रग माफिया के यहाँ, यानी महाजन के पास। अब क्योंकि महाजन तो जेल में है तो उसके बेटे के रेस्क्यू की जिम्मेदारी जो है वो साजू पे आ जाती है। तो वो हायर करता है टाइलर रेक और उसकी टीम को जो कि ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। तो अब टाइलर बांग्लादेश पहुंच भी जाता है और वहां से महाजन के बेटे ओवी को रेस्क्यू भी कर लेता है, लेकिन जो बांग्लादेश का ड्रग माफिया है वो सिटी लॉकडाउन करवा देता है ताकि ओवी और टाइलर सिटी से निकल ही ना पाए। अब इन सब के बीच बहुत सारे अप डाउन सिचुएशंस आती हैं, सीक्वेंसेस आते हैं और फिल्म की एंडिंग कैसे होगी ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे देखेंगे। तो बात करते हैं फिल्म के प्लॉट पे। तो फिल्म को एक्शन और इमोशन के पैरामीटर्स पे लेकर इवॉल्व किया गया है। ड्रग्स और वेपन की दुनिया की काफी अच्छी खासी स्टडी करी गई है, बहुत ही डिटेल फैक्ट्स दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को कैसे क्राइम में इन्वॉल्व किया जाता है, उनको गन्स दे दी जाती हैं, उनके फाइट सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ डीप रूटेड करप्शन ऑफ द सिस्टम जो कि इस तरीके की माफिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही हार्श रियलिटीज हैं जो बहुत ही सच्ची तरीके से पेश की गई हैं। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बहुत ही फाइन और फास्ट पेस है। बहुत सारे एक्शन एंड चेस सीक्वेंसेस में काफी पेचीदा सिंगल शॉट्स हैं और एडिटिंग इतनी ब्रिलियंटली की गई है, इतनी सफाई से की गई है कि कट्स ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ट्रस्ट मी, मैंने एक 12 मिनट का पूरा सीक्वेंस है जिसको 3 बार रिवाइंड करके देखा, कट ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन इतना सीमलेस तरीके से सब कुछ प्रोपोर्शनेट था कि कट्स नहीं मिले। तो मैं आपको इस सीक्वेंस का टाइमलाइन बताती हूँ। तो अगर आप 34 मिनट 55 सेकंड से 46 मिनट 20 सेकंड तक देखेंगे तो आपको ये सीन दिख जाएगा। इस कॉम्बैट सीन में 2 वीक्स की प्रिपरेशन लगी है और कैमरा का जर्की मूवमेंट इसको और इम्पैक्टफुल बना देता है। एक्शन कोरियोग्राफी एक्सीलेंट थी और वेल रिहर्स्ड थी। क्रिस हेम्सवर्थ की बॉडी स्विफ्टनेस और फाइट स्टाइल, यहाँ तक कि वेपन हैंडलिंग आपको बिलीव करा देगी कि वो कोई ट्रेन्ड इंसान है जो लड़ रहा है और ये सारी फाइट्स रियल हैं। रणदीप हुडा ने भी फाइट सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया किए हैं और उनका काम बहुत अच्छा लगा इसमें। कैमरा वर्क जबरदस्त है और इसमें आपको बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि ये शॉट लिया कैसे गया होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइलर और ओवी जब एक छत से दूसरी छत पर कूदते हैं, और सेकेंड है जब टाइलर और साजू फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरते हैं, ऐसे और भी कई सारे सीन हैं। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन में बात थी। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिल जाएंगे। स्पेशली फॉर एक्शन लवर्स आई रिकमेंड आप इसे बेस्ट अवेलेबल साउंड सिस्टम पे सुने, एक्सट्रैक्शन देखने का मजा 2 गुना हो जाएगा। एक्टिंग वाइज आई वुड से सारे ही रोल सेटिस्फैक्टरी थे, सभी ने अपना करेक्टर बखूबी निभाया। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ। फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वॉज वेरी इंटेंस और लग रहा था कि अब क्लाइमेक्स आ जाना चाहिए, बट सब कुछ इतना फास्ट पेस चल रहा था और अचानक से सेकेंड हाफ की जो स्टार्टिंग होती है वहाँ पे कुछ समय ड्रैग हो जाता है, जैसे कि पर्सनल टॉक्स और मोमेंट्स थोड़े ज़्यादा मुझे लगे। आई पर्सनली फील कि जिस तरीके की ये मूवी है ये 1.5 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए थी टू कीप द रिदम ऑफ द फ्लो। ऑल्सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पंकज त्रिपाठी का रोल अच्छा खासा होगा, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए स्क्रीन पे दिखे। ओवरऑल इज़ अ गुड मूवी और स्पेशली जो एक्शन पसंद करते हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे कॉम्बैक सीन्स, चेस सीक्वेंसेस, फाइट्स, ये सब काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और टेक्निकल टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है सैम हारग्रेव ने। स्क्रीन प्ले लिखा है जो रूसो ने। इस फिल्म की स्टोरी एक नॉवल पे बेस्ड है जिसका नाम है क्यूडिट। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है रूसो ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स ने मिलकर। ये फिल्म रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2020 को नेटफ्लिक्स पे। सो आई वुड से कि आप ये मूवी जरूर देखें। आई होप आपको आज का रिव्यू और मेरा फिल्म एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें अपने साथ बहुत सारे पंचायती और जोड़ने हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। हमारे पैट्रॉन अकाउंट में भी आप जरूर विजिट करिए। बहुत ही जल्दी मैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय।